हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास ट्वेल्थ की बात करेंगे। आज हम हिंदी के बारे में बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चे हिंदी की तैयारी कर तो रहे हैं, लेकिन स्कोर कैसे आपको करना है। आज के इस वीडियो में आप लोग बहुत कुछ सीखोगे, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है और किन चीज़ों पर फोकस करना है, कैसे तैयारी करना है, इस पर हम आपको थोड़ा सा डीप में समझाएंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और ये जो वीडियो है MP बोर्ड के लिए स्पेशल है, अदर स्टेट के बच्चों के लिए बिल्कुल ये वीडियो नहीं है, तो वो स्किप कर सकते हैं, MP बोर्ड वाले बच्चे देखेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये आपको जो PDF दिख रही है, ये MP बोर्ड का सिलेबस है। और सिलेबस कब का है? 2023-24, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा 2023 और 24। अब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसे सिलेबस पता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि लास्ट के दो महीने में सोचते हैं हिंदी इंग्लिश की तैयारी करेंगे और उनको सिलेबस ही पता नहीं रहता। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, पहला पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट, सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि हमें आरोह भाग 2 से कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। जैसे आप देख सकते हैं, आत्म परिचय, एक गीत, पतंग, कविता के बहाने, बात सीधी थी, ये आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम में मेरा PDF पड़ा हुआ है, वहां से आप देख लो, डाउनलोड कर लो, या कि अभी आप यहां पर देख ही पा रहे हो। ठीक है, अब जैसे आपके लिए क्वेश्चन में हमेशा एक कवि परिचय और एक लेखक परिचय आता है, क्लियर आता है, और मैं आपको 5 कवि परिचय, 5 लेखक परिचय समझाऊंगा, वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझाऊंगा। ये सभी के लिए होता है, जिसे आप लोग अपने भाषा में कैसे लिखेंगे वो तरीका समझाऊंगा। वो वीडियो आना शुरू हो गया हिंदी का, अभी मैंने अलंकार का वीडियो दिया है, ऐसे ही छंद, फिर काव्यखंड, ऐसे धीरे धीरे अब हिंदी के वीडियो लगातार आएंगे। और मैं गारंटेड कहता हूं, जो हिंदी के वीडियो देखते रहेंगे धीरे धीरे करके, उस स्ट्रेटजी से पढ़ते रहेंगे, तो आपके 80 नंबर आ ही जाएंगे। 80 नंबर, 100 नंबर का यदि पेपर आता है तो 80 नंबर, यदि 80 नंबर का पेपर आता है तो मान लीजिए 65 नंबर कम से कम, जो 2 महीने की बात कर रहा हूं। और बाकी तो आप लोग जितना पढ़ो उतना ही अच्छा है, बेहतर है। ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं जिनके पास मान लीजिए ना तो परीक्षा बोर्ड होता है, परीक्षा अध्ययन होता है, शिवलाल दिग्दर्शिका ले लेते हैं। शिवलाल दिग्दर्शिका में क्या होता है, जैसे छंद ही है, अब आपको छंद पढ़ना है, अब छंद में क्या है, पूरा पढ़ते रह जाते हैं, जबकि छंद में आपको पढ़ना है सोरठा छंद, कवित्त छंद, सवैया छंद, रुबैया छंद, ये 4 छंद में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आपको दोहा वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2024 के लिए बात कर रहा हूं, सोरठा, कवित्त, सवैया और रुबैया, मैं इनका चारों का बढ़िया उदाहरण सहित आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा 2024 के लिए। ऐसे यहां पर अलंकार की यदि बात करें तो जब आप पढ़ाई करेंगे तो अलंकार में संदेह अलंकार, सांग रूपक, भ्रांतिमान, विरोधाभास, प्रतिरेक, ये 5 अलंकार ही 2024 के लिए तैयारी करना है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, इन चीजों को आपको फोकस में रखना है, नहीं तो आप सोचो कि अनुप्रास अलंकार पढ़ें, जो कभी नहीं आएगा वो पढ़ते रह जाओ, 10वीं का सिलेबस पढ़ने लग जाओ। ठीक है, बोलो ग्रामर तो है, ग्रामर आएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं कि यार हमने 10वीं में ग्रामर पढ़ा था, हमने पूरा अलंकार पढ़ा था, वही आएगा, बन जाएगा, जबकि आपको पढ़ना है 5, आप पढ़ रहे हो 25, आना 5 है, 5 के बीच का ही आना, और आप इधर उधर भटक रहे हो। काव्य के भेद में प्रबंध काव्य, मुक्तव काव्य, भेद भी पढ़ना है इनके, मतलब काव्य का पूरा पढ़ना है उदाहरण सहित। ठीक है, ऐसा नहीं, अब कुछ क्या होते हैं कि जैसे देख लिए कि प्रबंध काव्य और मुक्तव काव्य, बस इसको पढ़ लिए, इसका अंतर पढ़ लिए, इसके भेद के बारे में आगे कुछ पढ़े ही नहीं, चंपू काव्य वगैरह, तो फिर वहां पर परेशानी हो जाती है। ये आपको गलतियां बता रहा हूं, कहां पर आप मिस कर जाते हैं पॉइंट को। ठीक है, तो उसके उदाहरण से मतलब काव्य का जो भी खंड है पूरा पढ़ना है। रस में आपको परिचय, प्रकार, उदाहरण, मतलब कुल मिलाकर खत्म, इसका मैंने एक बढ़िया मैराथन वीडियो लाया था जिसमें सारे अंग भी, सारे परिचय भी, सारे उदाहरण भी आपको समझाया था एकदम शॉर्ट तरीके से। तो ये चीजें हैं। अब देखो यहां पर बिंब विधान आएगा, शब्द गुण आएगा, शब्द शक्ति आएगा, इनको कोई नहीं पढ़ता है, इन पॉइंटों को कोई नहीं पढ़ता है, और इन्हीं में नंबर कट जाते हैं। बोले सब बोलते हैं हम तो छंद भी पढ़ लिए, अलंकार भी पढ़ लिए, रस भी पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, हम आधुनिक इतिहास पढ़ लिए, गद्य खंड का इतिहास, पद्य खंड का इतिहास पढ़ लिए, और बाकी यहां पर बच्चे सोते रहते हैं। दो ही नंबर कटता है धीरे धीरे करके, और दो ही नंबर कटते 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 40 नंबर कट जाते हैं, फिर आपको कहोगे अरे यार इतना कम मैंने कैसे। ठीक है, तो ये चीजें हैं, सिलेबस आपको पहला पॉइंट में, और जो ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन में ये ध्यान रखना है कि कहां कहां का पॉइंट पूछा जाएगा। ठीक बच्चों, ऐसे ही आगे देखो, यहां चीजें लोग सोचते हैं
कि हम तो हिंदी बोलते हैं तो हम शुद्ध बोलते हैं और वाक्य भी शुद्ध कर लेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आप पुराने साल का परीक्षा बोर्ड देखो, परीक्षा अध्ययन देखो, चार साल का पेपर उठाओ, किस प्रकार से उसमें पूछा गया है, कैसे पूछा जा सकता है, क्या रिपीट होता है कि नहीं होता। अभी मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि अब आगामी समय में भी तो थोड़ा सा बेस्ट हूं, लेकिन आगामी समय में इसके वीडियो ज्यादा से ज्यादा मैं आपको प्रोवाइड करूं। एमपी बोर्ड के जितने बच्चे हैं, आप लोगों को पता है कि इस चैनल में आपको प्रॉपर पढ़ाया जाता है, तो इस चैनल पे अब हिंदी के वीडियो आने शुरू हो जाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की चली रहे, उसका आप तैयारी करते रहें, ठीक है। राष्ट्रभाषा राजभाषा, इस पर आपको पूरा टिप्पणी पढ़ना है। भाव पल्लवन आता है, सार संक्षेपण, विज्ञान लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन, इन पर भी हम वीडियोस दे देंगे, पर ये चीजें आपको सिलेबस पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। यहां पर अब जैसे अभी से आप पत्र लेखन नहीं शुरू करते हैं, निबंध लेखन शुरू नहीं करते हैं, तो फिर बाद में एग्जाम टाइम में दिक्कत हो जाती है। तो बच्चों आप पत्र लेखन, कम से कम पत्र लेखन लिखना सीखिए। किसी भी विषय पर आप एक दो बार लिखेंगे जब ना, तो वो आसानी से बनने लग जाएगा। अब आप सोचोगे एग्जाम टाइम में उसे पढ़ के जाएं, वहां पे आपको शब्द ही क्लियर नहीं हो पाएगा। हिंदी में लोग अधिकांश नंबर क्यों कम पाते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी तो आसानी से लिख पाएंगे, जबकि ऐसा होता है जब लिखने को आता है तो वहां पे शब्द ही आपके पास नहीं रहते हैं। और वो शब्द कैसे आते हैं, प्रैक्टिस पर आते हैं। तो जैसे निबंध आपने पढ़ा, जैसे आप मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण पर पढ़ा, आधुनिक वैज्ञानिक या विज्ञान का चमत्कार पर पढ़ा, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर आपने मान लीजिए तकनीक के बारे में पढ़ा, अब उसको आप लिखें और ये देखें कि हम कितना कर पा रहे हैं। अब आप सोचोगे कि यार ये आसान है, निबंध लेखन तो यूं, हम लोग जैसे यहां पे कितने नंबर का है, सॉरी यहां पर आप देखिए, हाँ यहां पर देखिए, हाँ सॉरी यहां पे आपका नंबर नहीं दिया है, लेकिन चार नंबर का आएगा, ठीक है, नंबर नहीं है, अभी मैं ब्लू प्रिंट आपको निकाल कर दिखाऊंगा। तो ये निबंध लेखन में चार नंबर में ढाई नंबर, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते सर मेरे को ढाई नंबर मिला, मैंने कॉपी ओपन करवाया, इसका रीजन ये है आपने लिखने को पांच पेज लिख दिया ना, लेकिन वो शब्द जो लिखना चाहिए वो आप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपके नंबर कट जाते हैं। तो चलिए यहां पर मैं थोड़ा सा ब्लू प्रिंट पे आ चुका हूं बच्चों, जो कि आपके ट्वेल्थ का ब्लू प्रिंट है, अंक योजना यहां पर आप देख सकते हैं। चलिए मैं यहां पर बात कर रहा था कि आपका निबंध लेखन कितने अंक आने वाला है, देख सकते हैं यहां पर चार अंक आएगा, ठीक है, और पत्र लेखन भी चार अंक आएगा, अब ठीक वो तीन अंक आएगा। अब देखिए ये फोकट के होते हैं, लेकिन कब फोकट के होते हैं बच्चों, जब आप मेहनत कर लेते हैं। यदि मेहनत नहीं करते और आप सोचते हैं कि एग्जाम के दो दिन पहले ही मैं पढ़ के चला जाऊंगा और पूरे अंक मिल जाएंगे, तो कभी नहीं मिल सकते ना, आज तक किसी के आए हैं। आप पत्र लेखन भी लिखना नहीं जानते हैं, शब्द उतना अच्छे सटीक नहीं लिख पाते हैं, तो फिर आपको अंक नहीं मिलेगा। चार नंबर बताया ना, केस कितना होता है, ढाई नंबर। क्यों नंबर कटते हैं यार, हिंदी के शब्द पर डिपेंड करता है। हिंदी को जो आप ऐसा समझ लेते हैं भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री में आप पर डे दो घंटे पढ़ते हो, मैं कहता हूं कि हिंदी में आधे घंटे पढ़ो, पर डेली पढ़ो, एक एक चीज तैयार करो, एक डिफरेंस तैयार करो, एक परिभाषा तैयार करो, एक मान लीजिए आपका कोई प्रश्न है तैयार करो, लेकिन धीरे धीरे करो, एक पत्र लेखन तैयार करो। आज एक हम निबंध पढ़ रहे हैं, आज हिंदी का रस पढ़ लिए, तो लेकिन डेली पढ़ना है, और जब आप डेली पढ़ोगे तो अभी भी दो से तीन महीने हैं, आपको तैयारी करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप ऐसे अभी से नहीं पढ़ोगे तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होगा। पास होने को तो कोई भी हो सकता है, मैं 10 दिन में कहता हूं कि मैं पास करा दूंगा, 10 दिन में कोई पढ़ ले उतना प्रश्न आप पास हो जाओगे। तो पास होने की यहां पे बात नहीं बच्चों, यहां पर मेहनत करने की, ठीक है। अब जैसे यहां पर देखिएगा शुद्धिकरण, यहां से 12 नंबर आएगा, और शुद्ध अशुद्ध लोगों से बनता ही नहीं है, कितना भी कर लो ना, मुहावरे लोकोक्ति ऐसे आ जाते हैं जो आप पढ़े नहीं हो। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस कितना कर पा रहे हो। यहां पर आप देखिए पूरा का पूरा रस छंद अलंकार, यहां से 9 नंबर का प्रश्न आने वाला है, 9 नंबर में। अब इस बार तो ये भी नहीं दिया है कि किस खंड से कितने ऑब्जेक्टिव आने हैं, मतलब आपको अच्छे तरीके से हर पॉइंट पर फोकस करना है, और नहीं करेंगे बच्चों तो फिर आपको परेशानी होगी। ओके चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, हिंदी में आप लोग बेहतर तैयारी करते रहे, ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।